पटना के टीपीएस कॉलेज केंद्र पर बीपीएससी अभ्यर्थियों ने हंगामा किया है। अभ्यर्थियों का आरोप है कि पैसे लेकर केंद्र में प्रवेश कराया जा रहा है और उनका आरोप है कि कई लोगों को केंद्र में प्रवेश नहीं करने दिया गया है। इस वक्त बड़ी खबर पटना से, जहां पटना के टीपीएस कॉलेज केंद्र पर बीपीएससी अभ्यर्थियों ने हंगामा किया है। अभ्यर्थियों का आरोप है कि पैसे लेकर केंद्र में प्रवेश कराया जा रहा है। उनका आरोप है कि कई लोगों को केंद्र में प्रवेश नहीं करने दिया गया है, तो कई लोगों को सेंटर में एंट्री नहीं देने का आरोप है। पटना में बीपीएससी अभ्यर्थियों का हंगामा जारी है। अभ्यर्थियों का आरोप है कि पैसे लेकर केंद्र में प्रवेश कराया जा रहा है और उनका आरोप है कि कई लोगों को केंद्र में प्रवेश नहीं करने दिया गया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं पटना की, किस तरीके से बीपीएससी अभ्यर्थी हंगामा देखा जा रहा है। सेंटर के बाहर बीपीएससी अभ्यर्थियों का आरोप है कि रुपये का सेंटर में प्रवेश करने दिया जा रहा है और कई लोगों को सेंटर में एंट्री नहीं देने का आरोप है। और अधिक जानकारी के लिए पटना से संवाददाता अवनीश हमारे साथ जुड़ चुके। अवनीश, बीपीएससी अभ्यर्थियों ने हंगामा किया है, आखिर क्यों, क्या जानकारी? टीपीएस कॉलेज से भी बीपीएससी की परीक्षा का आयोजन किया गया है और वहां पर अभ्यर्थियों ने हंगामा किया। अभ्यर्थियों का आरोप था कि पैसे लेकर केंद्र में जो है, सेंटर के अंदर जो है वो प्रवेश कराया जा रहा है। कई लोगों को केंद्र में प्रवेश नहीं करने दिया गया, कई अभ्यर्थियों को। ऐसी स्थिति में छात्रों ने, जो अभ्यर्थी है, उन्होंने काफी हंगामा किया और हंगामा को शांत कराने के लिए काफी मशक्कत भी करनी पड़ी। तो जो तस्वीरें हैं वो सीपीएस कॉलेज की तस्वीर है। सीपीएस कॉलेज से जो है बीपीएससी के परीक्षा की पुनः परीक्षा का आयोजन किया गया था और काफी संख्या में, देखिए पटना में भी कई जगहों पर सेंटर बनाए गए हैं और वैसी स्थिति में सुरक्षा के बेहतर इंतजाम थे, लेकिन सीपीएस कॉलेज में जो है, जो अभ्यर्थी थे, जो पहुंचे थे एग्जाम देने पहुंचे थे, वो उन्होंने जमकर हंगामा किया अंदर प्रवेश। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अवनीश तमाम जानकारी के लिए। तो पटना के टीपीएस कॉलेज केंद्र पर बीपीएससी अभ्यर्थियों ने हंगामा किया और अभ्यर्थियों का आरोप है कि पैसे लेकर केंद्र में प्रवेश कराया जा रहा है और उनका आरोप है कि कई लोगों को केंद्र में प्रवेश नहीं करने दिया गया है।